Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is NSO Olympiad Chapter 7. So let's get started. This is question number 11. You are standing upright in a room in front of a vertical mirror. आप एक वर्टिकल मिरर के सामने खड़े हो अपने रूम में, तो इस मिरर में आप क्या देखते हो? You wish to see the full image of your body in the mirror. Which combination of action will achieve this? So इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप एक मिरर, ये आपका जो है मिरर है और आप इसके सामने खड़े हो, आपका इस मिरर में 2/3 पार्ट दिखाई दे रहा है और आपकी इच्छा है कि आप अपनी फुल बॉडी देखो, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. फर्स्ट है मूव अवे फ्रॉम द मिरर, सेकंड है मूव टुवार्ड द मिरर, अगर आप मिरर के और पास जाते हो तो आप अपनी फुल बॉडी देख पाओगे. ऑप्शन थर्ड है यूज अ मिरर व्होज हाइट विल अलाउ यू टू सी योर फुल इमेज, आप अपनी ही हाइट का एक मिरर अगर यूज करोगे तो आप अपनी फुल बॉडी देख सकते हो. सो गाइज, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ओनली थर्ड. अगर आप अपनी फुल बॉडी देखना चाहते हो तो आपको एक ऐसा मिरर यूज करना पड़ेगा जो सेम आप ही की हाइट का हो. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. द मिरर इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट. मिरर इमेज क्या होता है? सबसे पहले मिरर इमेज होता है कि आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे कोई चीज, जैसे यहाँ पे रख दिया मैंने ए, ठीक है, तो ये जो मिरर है इसके इस तरफ आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है. तो मिरर इमेज के क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो चीज मिरर के पास में होती है ना, वो जो इमेज बनती है उसमें भी वो चीज पास में आती है, और जो चीज दूर होती है वो चीज हमेशा दूर आएगी. जैसे कि आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पास है मिरर के, तो ये वाला जो बनेगी आपकी इमेज ये ऐसे ऐसे बनेगी, ये भी पास में ही बनेगी, ठीक है. और अगर हम बात करते हैं आर की, हमें आर बनाना है, आर की मिरर इमेज क्या होगी? आर की मिरर इमेज होगी आपकी ये वाली, ठीक है. यानी कि ये चीज पास है तो ये चीज पास, अब ये दूर होती गई तो ये वाली भी दूर होती गई, ठीक है, ये चीज ऐसे. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. विजय पुट सम वाटर इनटू 4 कप्स मेड ऑफ स्टील, प्रोकेलिन ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, विच वन ऑफ दीज कप विल अलो हिम टू सी द लेवल ऑफ द वाटर क्लियरली. विजय ने 4 कप लिए जो स्टील, प्रोकेलिन ग्लास और फ्रॉस्टेड ग्लास के बने हुए हैं, तो आपको बताना कि इन चारों में से वाटर किस में आप क्लियरली देख सकते हो. तो ऑब्वियसली बात है ग्लास के वाटर में आप इजीली देख पाओगे, इसमें से तो कुछ रीजन बताने वाला भी नहीं है. अच्छा, ये फ्रॉस्टेड ग्लास जो होता है आपका, ये होता है, ये फेंट होता है, धुंधला. सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. सो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. 3 स्टिक्स आर प्लेस्ड इन एन ओपन फील्ड एज शोन इन फिगर. Which of the following sticks will form the shadow of equal length? आपको बताना है, ये लाइट है, ये सन है, और आपको बतानी है कि किस स्टिक की जो लेंथ होगी वो उसकी शेडो के इक्वल बनेगी, ठीक है. सो ये जो सन है आपका यहाँ पे है, ये इसकी शेडो इसके इक्वल बनेगी, इसकी नहीं बनेगी, और इसकी भी इसके इक्वल बनेगी. अब ये सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंड थर्ड. तो 14th का आंसर होगा ऑप्शन सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. निशा प्लेस्ड ए स्टिक इन प्लेग्राउंड एट 8:15 AM इन द मॉर्निंग. निशा ने सुबह 8:15 पर एक स्टिक ली और उसको प्लेग्राउंड में रख दिया. हाउ विल द शेडो ऑफ द स्टिक एट 12 noon बी इन द कंपैरिजन टू द वन एट 8:15 AM. ऑप्शन ए, इट विल बी द शॉर्टर देन वन एट 8:15 AM. ऑप्शन बी, इट विल बी द सेम एज वन एट 8:15 AM. See, it will be greater than 1 at 8:15 AM. Shadow will not form at 12 noon. So morning or evening में जो shadow बनेगी आपकी वो larger बनेगी as compared to the shadow at the noon. क्योंकि क्या होता है कि noon में मैंने आपको बताया था कि sun जो होता है वो top पे होता है, ठीक है. So इसके according हमारा answer होगा it will be the shorter than 1 at 8:15 AM. So हमारा answer होगा option A. 16. Look at the Venn diagram. ये वेन डायग्राम दिया गया है आपको, तीन ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आपको करेक्ट ऑप्शन बताना कौन सा होगा. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट जो है आपका वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सेकंड है ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, और थर्ड है ओपेक होना चाहिए. ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ऑयल्ड पेपर. ऑयल्ड पेपर आपका ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है. सेलोफेन पेपर, सेलोफेन पेपर आपका ट्रांसपेरेंट है. इसमें ये कैसी शीट होती है जिसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस होती है ये. ग्लास आपकी ट्रांसपेरेंट है, फ्रॉस्टेड ग्लास ट्रांसल्यूसेंट है. वुड आपका ओपेक है. वैक्स पेपर जो होता है वो आपका ट्रांसल्यूसेंट है.
क्लीन वाटर ये आपका ट्रांसपेरेंट है, डायमंड आपका ट्रांसपेरेंट है, मिरर आपका ओपेक है, डायमंड है आपका ट्रांसपेरेंट है, लैंप जो होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट है. सो गाइज इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो फर्स्ट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सेकंड जो है वो ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए और थर्ड जो है वो ओपेक होना चाहिए. सो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर हैज ए स्मॉल ओपेक डॉट एट इट सेंटर. एक स्फीयर है और एक छोटा सा इसके अंदर डॉट है. व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड अगर हम बाहर से देखते हैं द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द डॉट विल बी, डॉट की पोजिशन बतानी है आपको क्या होगी, क्लोजर टू द आई देन इट्स एक्चुअल पोजिशन, द सेम एज इट्स एक्चुअल पोजिशन, फादर अवे फ्रॉम द आई देन इट्स एक्चुअल पोजिशन. सो गाइज जो इसकी पोजिशन होगी डॉट की सेम रहेगी, द सेम एज इट्स एक्चुअल पोजिशन. हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. गीता प्लेस्ड थ्री ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल. गीता ने तीन ऑब्जेक्ट लिए जो अलग अलग मटेरियल के हैं एज शोन इन द फिगर. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सेकेंड है उस पर एक ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट बनती है और जो थर्ड है वुड नॉट गेट एनी स्पॉट, थर्ड पर कोई भी लाइट नहीं बनती. ठीक है. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. फर्स्ट और सेकेंड ट्रांसपेरेंट मटीरियल तो नहीं होंगे क्योंकि जो फर्स्ट है आप उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोल सकते हो, लेकिन जो ये आपका सेकंड है इसको आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्या है एक स्पॉट आप देख सकते हो, ब्राइट स्पॉट. ठीक है. तो ये हमारा ओपेक होगा. और थर्ड जो होगा इसमें से भी लाइट मतलब लाइट गुजर रही है तो ये भी आपका ट्रांसपेरेंट हो सकता है या ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है. सो ये ऑप्शन तो आपका यहीं पर गलत हो जाता है. एंड थर्ड इज मेड ऑफ ओपेक मटीरियल. ऑप्शन बी फर्स्ट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल बिल्कुल सही है, सेकेंड इज मेड ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल नो ओपेक होगा इसीलिए तो वो ब्राइट स्पॉट हमें दिखाई दे रहा है, एंड थर्ड इज मेड ऑफ ओपेक मटीरियल. सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी फर्स्ट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, सेकेंड इज मेड ऑफ ओपेक मटीरियल, एंड थर्ड इज मेड ऑफ इधर ट्रांसपेरेंट और ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल. थर्ड जो है आपका कुछ भी हो सकता है. ऑप्शन डी देख लेते हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेड ऑफ ओपेक मटीरियल एंड थर्ड इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. सो गाइज जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. फर्स्ट जो होगा आपका ट्रांसपेरेंट मटीरियल होगा, सेकेंड इज मेड ऑफ ओपेक मटीरियल होगा, और थर्ड जो होगा वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, वो ओपेक भी हो सकता है और ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है. सो गाइज हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. रिया और प्रिया दो लड़कियां हैं, वो एक राउंड टेबल पे बैठी हुई हैं. दे कुड सी देयर ऑन ईच अदर इमेज ऑन द टेबल टॉप. तो उन्होंने टेबल पर अपनी इमेज देखी. देन टेबल टॉप इज मेड ऑफ, तो आपको बताना है जो टेबल का टॉप है वो किस चीज का बना हुआ है. ऑप्शन ए अनपॉलिश्ड वुड कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ. सो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, अगर अनपॉलिश्ड है तो आप अपनी इमेज नहीं देख सकते इसके अंदर. पॉलिश्ड ग्लास ऑफ रेड कलर ये हो सकता है, देखते हैं इसमें. ऑप्शन सी ग्लास कवर्ड विद सेलोफेन पेपर. ऑप्शन डी स्मोक्ड ग्लास कवर्ड विद ग्रीन कलर क्लॉथ. अब इसमें भी आप अपनी इमेज क्लियरली नहीं देख पाओगे, इसके अंदर भी आप अपनी इमेज क्लियरली नहीं देख पाओगे. पॉलिश्ड ग्लास ऑफ रेड कलर ये हमारा आंसर हो सकता है ऑप्शन बी. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. देखिए रीजन क्या है, जो पॉलिश्ड ग्लास होता है ना हमारा रेड कलर का वो रिफ्लेक्ट करता है, दोनों जो ये लड़कियां बैठी हैं दोनों की इमेज फॉर्म होगी जो हमें जिसको हम इजीली देख सकते हैं. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको स्टेटमेंट दी गई है और करेक्ट ऑप्शन बताना है. स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है राहुल प्लेस्ड ए कलर्ड प्लास्टिक बॉटल. राहुल ने एक कलर्ड प्लास्टिक की बॉटल ली इन फ्रंट ऑफ द बीम ऑफ ए टॉर्च लाइट. Then he placed a transparent sheet of same size on the other side of bottle. No shadow will form on the screen. So guys, ये तो statement ही गलत है कि बोला है no shadow will form. लेकिन जो colored plastic की bottle होती है वो shadow देती है. ठीक है. Second statement देख लेते हैं. Translucent object allow light to pass through them partially. Translucent object जो होता है उसमें से light pass होती है लेकिन partially pass होती है. ठीक है. So ये statement जो आपकी वो बिल्कुल correct है. अब ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. ये भी गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू
बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड हमारी ट्रू है और फर्स्ट जो है वो फॉल्स है. सो ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू. सो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी.